नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी 25 खबरों की ओर। पीएम मोदी ने विराट कोहली से की बात, विराट कोहली से हुई बात को एक्स पर किया साझा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खेड़ा मध्यस्थ सहकारी बैंक भवन के उद्घाटन को किया संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े अमित शाह। भारत की जीत पर बोले एनसीपी एससीपी नेता शरद पवार, कहा मैं राहुल द्रविड़ और सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देशवासियों से आग्रह किया कि सभी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाएं। भारत की जीत पर खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से का बयान, कहा मैं टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सुना पीएम का कार्यक्रम। पीएसजी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक्स पर किया पोस्ट, भारतीय क्रिकेट टीम को फिर से विश्व चैंपियन बनने पर दी बधाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में सभी संस्करणों में हमेशा समाज को जागरूक करने की बात कही। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने थल सेना अध्यक्ष, रिटायरमेंट से पहले जनरल मनोज पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजमाता नायिका देवी गौरव दिवस समारोह का आयोजन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समारोह में हुए शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने लगाया जनता दरबार, जनता दर्शन में लोगों की सुनी समस्याएं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाएंगे। वैसी के जय फिलिस्तीन नारे पर हंगामा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व उपराष्ट्रपति के 75वें जन्मदिन पर बोले पीएम मोदी, वेंकैया नायडू से मैंने बहुत कुछ सीखा। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी नेता गौतम गंभीर, मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली में बारिश का कहर, ओखला अंडरपास में बारिश के बाद देखा गया जल भराव। असम के ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान के ऊपर, लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा सामना। आप सांसद संजय सिंह का बयान, कहा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, कहा जनता ने विपक्ष को चर्चा करने के लिए चुना है लेकिन वे संसद में हंगामा करते हैं। सीतापुर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बना शोपीस, बंद पड़े केंद्र पर कोई अधिकारी नहीं देते कोई ध्यान। हमीरपुर में स्वास्थ्य कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, इलाज कराने आए मरीज की अस्पताल में की पिटाई। हरदोई में दो पक्ष में हुआ विवाद, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर जाकर की मारपीट और गोलियां भी चलाई। हमीरपुर में तालाब की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, दो निर्माणाधीन मकान को चलाया गया बुलडोजर। अमेठी में अपराधी दे रहे पुलिस के इकबाल को चुनौती, 3 दिन के अंदर से 5 हत्याओं से बह लुटी हुई थी अमेठी। अलीगढ़ में नाली के पानी को लेकर 2 गुटों में विवाद, दबंगों ने बेरहमी से की मारपीट, एक ही परिवार के 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।